देखिए, पहली बात तो ये नमो की जैकेट है, इसमें ऐसा कुछ हमारा पार्टी का लोगो नहीं है कि हम पार्टी का सदन में कुछ कर रहे हो। सिर्फ जैकेट है और वो तो कोई भी पहन सकता है। जैसा कि कांग्रेस वाले ने कहा आप पार्टी वाले को कि आप भी पहन लीजिए, तो उनका आपस में जो हमारे विपक्ष के हैं तो उनमें ही मेल, मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि दूसरे लोग भी पहन के आ सकते हैं सदन में, तो कोई भी पहन के आ सकता है सदन में। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से अभी आप हमारे मेयर हैं तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी के मेयर नहीं है। ऐसी जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो काम कर रहे हैं, वो जिस तरह देश का नाम हो रहा है, तो हमें गर्व होता है ये पहन के। नमो अगेन की जो जैकेट बनी है ये कोई भी पहने, ये हमें गर्व फील हम करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। इसमें पहनने में गलत क्या है? आम आदमी पार्टी के कल को आम आदमी लिखी हुई टोपी पहन जाएगी तो क्या उसमें आपको आपत्ति होगी? देखिए, अगर उसमें लोगो होता है या किसी तरीके से पार्टी की छवि दिखाई देती है तो जरूर होगी आपत्ति। नहीं, लेकिन आम आदमी, मेरा जो सवाल है सिर्फ आम आदमी लिखा हुआ होता है अगर उसमें, तो क्या आप लोगों को आपत्ति होगी? देखिए, आम आदमी तो मैं भी हूँ, और अभी जो आम आदमी है वो खास आदमी हो गए, वो एक अलग बात है कि वो लोगो अगर कुछ होता है या पार्टी का उससे दिखाई देता है, आप पार्टी आम आदमी अलग बात है, आम आदमी पार्टी लिख देंगे तो वो एक अलग होता है। नहीं नहीं, नमो से तो ले, नहीं नमो गे, नमो कोई पार्टी का लोगो नहीं। नहीं नहीं, तो राधिका जी, पहले वो राधिका जी, राधिका ये कमल निशान नहीं है भैया। राधिका जी, हाँ सकते हो, कोई भी पहन सकता है, पर जी आप भी पहन सकते हैं लोगों का, आपको कोई नहीं है कमल का निशान नहीं है ना बीजेपी लिखा ये कहा है कोई, परवीन जी आप भी पहन सकते हैं, आपको भी मनाएंगे राधिका। हाँ परवीन जी, परेशानी परवीन जी आपको टी शर्ट की अगर इतनी परेशानी है आपको दे देंगे टी शर्ट, जैसा मत कीजिए आप। नहीं टोपी पे, टोपी पे लिखा हुआ है ना आम पार्टी। कि नमो अगेन की एक पार्षद नीतिका शर्मा जो द्वारका से पार्षद है, वो आज एक जैकेट पहन के आई हुई थी जिसका प्रचार पूरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की यहाँ पर टोपी पहन के आते हैं या सिर्फ आम आदमी उस टोपी पे लिखा होता तो भी उस पर ऑब्जेक्शन होता है। व्हाइट कलर की अगर सिंपल टोपी हम लोग पहन के आते उस पर ऑब्जेक्शन होता है, परंतु महापौर जी ने आज उनको समर्थन दिया जो कि गैरकानूनी है, जो गैर संवैधानिक है। बिल्कुल उनको सदन के अंदर इस तरीके की चीजें नहीं पहन के आना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार करना है आपको भारतीय जनता पार्टी का, तो आप सदन से बाहर जाकर करिए। सदन की कुछ गरिमा होती है, उसको गरिमा को उनको रखना चाहिए। बिल्कुल, देखो भारतीय जनता पार्टी के मेयर है तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें हमारी सुनते नहीं है। पिछले कई सदनों में जो चीजें उठा रहा हूँ विपक्ष, जो आवाज उठा रहे हैं उसको वो सुनने को तैयार नहीं है। वो खुद मानते हैं कि जो पार्किंग का इश्यू मैंने उठाया है, वो खुद मानते हैं कि वहां पार्किंग ली जा रही है गैरकानूनी तरीके से, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं निगम के अधिकारी, मेयर के कहने के बावजूद नहीं हो रही। इसका मतलब यहां पर साफ साफ पता लग रहा है कि खुला आम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी के मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है, और खुले आम इन लोगों के ऊपर कोई कमांड 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम के अंदर दिल्ली के अंदर है, कोई कमांड, जीरो कमांड आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के ऊपर है, कोई सुनवाई मेयर तक की नहीं होती है। महिला पार्षद कह रही है कि नमो अगेन जो लिखा हुआ है वो एक इंडिविजुअल स्टेटस है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, न कि सिर्फ पार्टी के, तो उसमें पार्टी सिंबल से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? तो मैं भी ये कहूंगा ना कि अगर अगली बार सदन के अंदर हम सिर्फ ये सिंपल व्हाइट टोपी पहन के आए या फिर आम आदमी उस पर लिखा हो टोपी के, तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी समस्या है हमारे को भारतीय जनता पार्टी के, जो आपने देखा हो, जो हमारे एक इससे पहले जब काउंसिल आए थे रामलीला मैदान में जो सभा हुई थी, वहां पर एक टोपी पहन के हमारे काउंसलर है उसके साथ मारपीट की भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों ने, और आज यहां पर आप देख रहे हैं कि खुले आम की, देखो इनकी सरकार है, ये लोग इन चीजों के लिए जाने जाते हैं कि दबंगई तरीके से राजनीति कर रहे हैं, यहां पर विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, बट विपक्ष इनसे दबने वाला नहीं है।